हेलो चिल्ड्रन, दिस इज सीमा मैम एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली इन द फर्स्ट लेसन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. सो चिल्ड्रन, लेट्स बिगिन. This is the fourth topic of the first lesson, the making of Germany and Italy. तो जर्मनी भी एक नेशन बना और इटली भी जो सेवन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था वो भी यूनिफाई होकर एक बना. तो इन दिस पार्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, दिस पैराग्राफ. You can write down, examine the main features of the process of unification of Germany under the leadership of Otto von Bismarck. I'm repeating. Examine the main features of the process of German unification under the leadership of Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, right? So number one point here. Number two, number three, number four, and number five. जितना अंडरलाइन करें बस उतना ही. जितना अंडरलाइंड है उतना ही. क्या है फिफ्थ पॉइंट? ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 January 1871 एन असेंबली कंप्राइजिंग ऑफ द प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट्स गैदर्ड इन द अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्सेल्स टू प्रोक्लेम न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रशा. सो ये बन हो गया मेकिंग ऑफ जर्मनी. ठीक है, तो इससे नेशन बिल्डिंग प्रोसेस से क्या देखा गया कि नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में रशियन स्टेट डोमिनेट करता था. न्यू स्टेट ने बहुत किस न्यू स्टेट में क्या सबसे ज़्यादा किस बात पे एम्फेसिस दी गई, जोर दिया गया मॉडर्नाइजेशन ऑफ करेंसी बैंकिंग लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी. ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक इटली यूनिफाइड. कि इटली एज यू कैन सी हियर इन द
page on page next page on page 21 कि ये देखो यह अलग अलग देखो ये अलग अलग रंगों से बना दिख रहा है ये है ना. तो ये दीज आर द सेवन स्टेट्स है ना, सेवन स्टेट्स हैं यहाँ पे और ये सब अलग अलग हैं, ये सब यूनिफाई करे जाएंगे ठीक है. तो लेट्स कम बिगिन इटली यूनिफाइड. तो इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लो, एक्सप्लेन द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इटली बिफोर इट्स यूनिफिकेशन. एक्सप्लेन द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इटली बिफोर इट्स यूनिफिकेशन. तो ये इसमें है ठीक है. नंबर वन पॉइंट इटालियंस वाले से, नंबर टू मिडल ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द ठीक है. देन थर्ड पॉइंट इज द नॉर्थ वॉज अंडर थर्ड पॉइंट सॉरी ये थर्ड पॉइंट है और फोर्थ पॉइंट है इवन द इटालियन लैंग्वेज ठीक है. सो यहाँ तक है ठीक है, यहाँ से यहाँ तक. तो सी चिल्ड्रन, बहुत से बच्चे ये नहीं लिखना चाहते हैं जो वीडियोज़ ही नहीं देखते हैं है ना, दे डोंट वॉच द वीडियोज़. सो माय हम्बल सजेशन इज़ दैट यू कैन बाय ऑल इन वन, सोशल साइंस की ऑल इन वन ख़रीद सकते हो और उसमें से यू कैन टेक गाइडेंस एंड यू कैन ऑल्सो लर्न द वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग भी जो डेटेड होते हैं वो सभी याद कर सकते हो. सो यू कैन डू आइदर वे, पर जो विच वॉट एवर लेसन आई एम टेलिंग यू और जो भी मैटर हम दे रहे हैं इट इज़ इनफ ठीक है. अब स्टेप्स फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में ये क्वेश्चन आएगा. क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है व्हाट वर द स्टेप्स फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली या हाउ वाज इटली यूनिफाइड ठीक है. तो नंबर वन पॉइंट देन यहाँ तक, नंबर टू यहाँ से ठीक है वो और था, उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर थ्री यहाँ से चीफ मिनिस्टर केवर हु लेट द मूवमेंट यूनिफाई द रीजन है ना, डेमोक्रेट था यहाँ था. देन नंबर फोर नाइन 1859 तक. देन नंबर फाइव अ लार्ज नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा और रूलर्स तक. और नंबर सिक्स इन 1861 विक्टर मालवन यहाँ से इटली तक ठीक है. अब देखो हमारे यूपी बोर्ड में जो लॉन्ग आंसर आता है दैट इज़ ऑफ 6 मार्क्स ठीक है. सो यू हैव टू राइट 6 पॉइंट्स और सीबीएसई में इट इज़ ऑफ 5 पॉइंट्स. सो यू हैव टू राइट 5 मार्क्स का होता है तो 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं. ओके नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन ठीक है. तो मॉडल ऑफ द नेशन और नेशन स्टेट जो है बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि बड़ा मॉडल था ये केस ऑफ ब्रिटेन ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट कि ये जो है एक सडन अपहीवल या सडन रिवॉल्यूशन से ऐसा
नहीं हुआ था। ये एक ड्रॉन लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस था, एक लंबा सा प्रोसेस था। ठीक है, क्या था देखो, बहुत ध्यान से सुनो और समझो भी कि देर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहैबिटेड ब्रिटिश आइल्स वर एथनिक वंस, मतलब जो लोग वहाँ रहते थे वो इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट, आयरिश थे। ऑल दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, बट इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ। जैसे जैसे इंग्लिश नेशन जो है वेल्दी इम्पॉर्टेंट, वेल्दी मतलब रिच होता गया, इम्पॉर्टेंट और पावरफुल होता गया, तो इसने दूसरे नेशंस पे, है ना, आइलैंड नेशंस पे अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। ठीक है, इंग्लिश पार्लियामेंट जो था वो मोनार्की से 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर छीन लिया और नेशन स्टेट बनने की तरफ बढ़ गया। कैसे हुआ, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट का। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अगेन सी अगेन, वेरी शॉर्ट का। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इंग्लैंड जो है अपना इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड पे भी जमाने लगा। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हेंसफोर डोमिनेटेड, उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लिश मेंबर्स थे। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मेंट दैट स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। इसका मतलब जब इंग्लिश मेंबर्स बढ़ते जाएंगे तो स्कॉटलैंड की आइडेंटिटी कम होती जाएगी। स्कॉटिश हाईलैंड्स में कैथोलिक क्लांस थे, है ना, तो लेकिन ब्रिटेन में कौन था, ब्रिटेन में मेनली प्रोटेस्टेंट्स थे। ठीक है, इसलिए उनको दबाया जाने लगा। स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन, अब उनको गेलिक लैंग्वेज बोलने को मना कर दिया गया, ना ही वो अपनी नेशनल ड्रेस पहन सकते थे, है ना, एंड दे वर फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। आयरलैंड के साथ भी सेम फेट उसने सफ़र किया जैसे कि स्कॉटलैंड ने। आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। यहाँ पे भी क्रिश्चियंस, दो तरह के क्रिश्चियंस थे, कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स, क्यों, क्योंकि इंग्लैंड में मेनली प्रोटेस्टेंट्स थे। ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश द डोमिनेंस ओवर द लार्जली कैथलिक कंट्री। कैथलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट बाय वुल्फटोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन 1798। आयरलैंड वॉज पॉसिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801। ठीक है, अब अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्ज्ड, है ना, जिसमें ब्रिटिश कल्चर था। ठीक है, अब यहाँ के न्यू ब्रिटेन के सिंबल्स क्या थे, ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर किंग और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो ये एक ब्रिटिश यूनियन था, इसमें कौन कौन से नेशंस थे, ब्रिटेन था, स्कॉटलैंड था एंड आयरलैंड था। सो सुनिल, लाइक दिस वी हैव फिनिश्ड आवर फिफ्थ वीडियो एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। फाइनली वील सी द लेसन एंडिंग इन द लास्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।